वैक्सीनेशन से पहले मैं हमारे सभी शहीदों को और हमारे देवी देवताओं को समर्पित करूँगा, उसके बाद में सभी मेरे साथी और साथ लेकर के और आगे बढ़ूँगा। ये मेरी और मैं चाहूँगा कि जिस तरह जनता ने प्यार और स्नेह किया है और हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत और सचिन पायलट और राहुल जी ने मान्य अध्यक्ष महोदय ने हमें विश्वास जताया है और जनता को समर्पित किया है टिकट, उसको मैं समझता हूँ जनता मुझे पूरा साथ देगी और टिकट को जिता करके और राहुल जी की जोड़े में डालेगी। उसके बाद अभी मैं मेरे राजनीतिक गुरु हैं हमारे स्वर्गीय श्री राम जी ओड़ा की समाधि में जा रहा हूँ। सबसे पहले वहाँ उनको टिकट को समर्पित करूँगा, उनसे आशीर्वाद लेकर फिर आगे आदरणीय हजारलाल जी और हमारे शिवनाथ सिंह जी, रामनारायण जी, सभी जो हमारे सोनाथ सिंह जी और आपके अयुब जी और जितने भी हमारे पुराने लीडर हुए हैं उनकी मूर्ति पर मैं समर्पित करूँगा। उसके बाद में सभी हमारे अम्बेडकर जी मूर्ति हमारे उनको और सभी कन्हैराम रामदेव जितने हमारे शहीद हुए और छोटू राम जी वो उनके सबके नमन करके उसके बाद में आगे कार्रवाई सर। प्राथमिकता सबसे पहले किसानों की जो पानी का सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे जोन जिले में सबसे बड़ी पानी की रहेगी। शिक्षा और शिक्षा का जो अभाव है हमारे जिले में, मेडिकल कॉलेज भी नहीं है और शिक्षा का बहुत इतना बड़ा जिला है जो शहीदों का जिला है, सैनिकों का जिला है, जिले में बहुत सारी कमियां हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय श्री राम जी ओड़ा जी के जो कुछ काम बाकी रह गए थे उनको हम पूरा करेंगे और आम नागरिक गरीब की बात सुन करके हमको चाहते हैं कि हमारे समाज के हमेशा जो बुराइयाँ हैं वो दूर करेंगे। और हम चाहते ये भी हैं कि जो आदमी राजनीति के मिलने से अभाव रहा लोगों का, सब लोगों से प्रजातंत्र का जो भाषा है प्रजा और तंत्र साथ साथ मिलकर काम करें वो हमारा प्रारूप मान। ये तो कुमाराम नहर चल रही है? नहर नहीं चल रही है, वो केवल पानी पीने की व्यवस्था हो रही है। हम चाहेंगे हमारे ज़िले में पानी की नहर भी आए और पानी की जो अभाव है उसको सब जिलों में नहीं केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ, केवल झुंझुनू में और मंडावा में हुआ है। अभी हमारा सूरजगढ़ है, वाणा है, आपका सूरजगढ़ है, चिड़ावा है, ये सभी भी पानी के अभाव में बाकी है। यमुना के पानी का मुद्दा पूर्व सांसद ने भी उठाया था लेकिन लागू नहीं किया, हम लागू करेंगे। भाजपा प्रत्याशी जो है नरेंद्र खिचड़ो, उन्होंने अभी जो उनका बयान वायरल हो रहा है, दो पेक पियो दो वोट जोड़िए, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, वो यही काम करते हैं जो यही सलाह देंगे लोगों को, वो यही काम करते हैं जो यही सलाह देंगे लोगों को। हम नहीं करना चाहते किसी की बुराई, नहीं करना चाहते, हमारा मुद्दा ये नहीं, हमारा मुद्दा विकास, हमारा मुद्दा और झुंझुनू जिले की जनता को प्यार और स्नेह और जनता के साथ मिलकर काम करने का मुद्दा है। ये शराब पीना और जुआ खेलना हमारा काम। कांग्रेस में भी हमेशा दो गुट माने जाते रहे, ओला गुट के आपके पक्ष में? ओला गुट हमारा ही है, मोड़ा के समर्थक हैं और ओला जी ने हमें हमेशा उनके सानिध्य में काम किया है। हमारा कोई गुट नहीं है, गुट हमारा एक ही है, हमारा कांग्रेस।